नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल के ऊना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो मैं चंबा वासियों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इस बार मुझे आने में काफी विलंब रहा। कुछ वर्ष बीत गए बीच में, लेकिन मेरा आज सौभाग्य है कि फिर आज सबके बीच आकर के आप सबके दर्शन करने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है। दो दिन पहले मैं उज्जैन में महाकाल की नगरी में था और आज मणि महेश के सानिध्य में आया हूं। आज जब इस ऐतिहासिक चौगान पर आया हूं तो पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। यहां के अपने साथियों के साथ बिताए पल और राजमहल का मदरा सचमुच में एक अद्भुत अनुभव रहता था। चंबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। तभी तो कुछ महीने पहले मिंजर मेले के दौरान यहां के एक शिक्षक साथी ने चिट्ठी लिखकर चंबे से जुड़ी अनेक बातें मुझसे साझा की थी, जिसे मैंने मन की बात में देश और दुनिया के साथ भी शेयर किया था। इसलिए आज यहां से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया। अब यहां का पानी भी आपको काम आएगा और यहां की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, कुछ समय पहले ही भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। इस समय हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, ये पड़ाव विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एक ऐसी छलांग हमें लगानी है जिसका शायद पहले कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। एक एक हिंदुस्तानी का संकल्प अब पूरा करके रहना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, यानी जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा।
इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन, एक एक पल हम सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जब हम बीते दशकों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमारा अनुभव क्या कह रहा है। हमने यहां शांता जी को, धूमल जी को अपनी जिंदगी खपाते देखा है। उनके मुख्यमंत्री काल के वो दिन थे जब हिमाचल के लिए हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। 75 साल बाद मुझे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस पर स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि मैं इसके सामर्थ्य से परिचित था। दोस्तों, सुविधाओं के अभाव में आपके यहां रहने वालों का जीवन मुश्किल था।